तीनों बार हुआ है, और लास्ट में देखिए 2 बार फिजिकल डिस्क्वालीफाई हुए थे, इस बार फाइनल। ये उन्हीं में से है जो शब्दशः चीजों को माने हैं। आज रोशन सर के सामने डबल स्टार लगा के खड़ा है सर। बिट्टू सर का जो साइंस का नोट्स था 15 से 20 बार मैंने रिवाइज किया। 15 से 20 बार मार्गदर्शन मेरा रहा है और मेहनत इन लोगों का रहा है। मतलब डायरेक्शन क्लियर होता है, बस हम मेरा काम है कि हम मेहनत करें। बाहर क्या जा सकता है ये बता? कुछ नहीं, अंदर से खुद से मोटिवेट थे, क्योंकि जेब में पैसा नहीं था, मोटिवेट खुद मिल जाता है। तो रात जगा का मतलब वही होता था कि जो जरूरत का चीज है हम उसको कितना बार रिवीजन कर रहे हैं, कितना बार पढ़ रहे हैं। हर एक क्वेश्चन वहीं से पूछा जा रहा है, तो सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, 100% सिलेक्शन होगा। बिहार दरोगा 1275 का जब रिजल्ट आया तब ज्ञान बिंदु GS एकेडमी ने अपना दबदबा दिखाया था, और दिखाया था किस प्रकार आज भी भोकाल रोशन आनंद सर ने दिखाया था 1275 में भी, 2446 और 2213 के बाद। आज जब CM नीतीश कुमार के हाथों सभी को नियुक्ति पत्र दिया गया, तो उसके बाद सर के कुछ चेले आए हुए वर्दी में स्टार लगाकर कंधे पर। चलिए बात करते हैं सर से और जानते हैं इन लोगों से भी कि कैसे तैयारी करी और कैसे सर के लिए स्पेशल थे ये लड़के और कैसे इन लोगों ने बाजी मारी थी। सर बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और आज सर लड़के रुक नहीं रहे, फिर भी आपसे मिलने आए हैं आपके बच्चे। नहीं, प्रशासनिक आदेश था कि जो है नियुक्ति पत्र लेकर के तुरंत निकल जाना है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कुछ ये सभी थोड़ा चहेते हैं हमारे, तो सब लोग आए हैं मिलने के लिए, तो ये लोग भी अभी जस्ट निकल जाएंगे। सर बहुत सारे लड़के थे और आज बहुत सारे लड़के निकल गए, लेकिन जिस प्रकार से आपने रिजल्ट में दिखाया था कि किस प्रकार से इतने सारे रिजल्ट हुए, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं छात्रों के मन में होता है कि अगर इतने रिजल्ट हो रहे हैं तो हम जो तैयारी के पीछे जा रहे हैं वो क्या सर के स्टडी मटेरियल से हो जाएगा चीज़ें, या फिर क्या आउटसोर्सिंग लेनी पड़ेगी इसके लिए? तो ये जो छात्र हैं क्या सर, ये आप बता दीजिए कि ये जो छात्र हैं क्या सर वो स्टडी मटेरियल पर डिपेंडेंट थे, या फिर अदर सोर्सेज का इस्तेमाल करते थे, या फिर आप करवाते थे? ये सभी छात्र पूर्णतः संस्थान के स्टडी मटेरियल पर डिपेंडेंट थे, और जहाँ पर हमको जो ज़रूरत होता है उस चीज को हम क्लास के दौरान करवा देते हैं। मतलब पूरी तरीका से देखिए, मार्गदर्शन मेरा रहा है और मेहनत इन लोगों का रहा है, और मेहनत बहुत बड़ा चीज होता है। मार्गदर्शन तो हजारों छात्रों का किया जाता है, लेकिन शब्दशः चीजों को मानने वाले बहुत कम होते हैं, और जो शब्दशः चीजों को मानते हैं उनका रिजल्ट होता है। ये उन्हीं में से है जो शब्दशः चीजों को माने हैं। कहीं ना कहीं सर आप कहते हैं और हमेशा कहते हैं, और क्लास में लड़के भी आपके कहते हैं, आपके जो लड़के SI बन जाते हैं वो कहते हैं कि अगर बात मान लिए रोशन सर की 100%, जो कह दिए वो कर लिए तो बन जाओगे दरोगा। सर आपसे नहीं, विकास जी आपसे पूछ लेते हैं, क्या सर जो कहते हैं कि सर कहते हैं कि हमारी बात मान लो, 100 में 90 भी बात मान लिया तो बन जाओगे, कंधे पर स्टार लगा लोगे, कितना प्रतिशत सत्य है बात कि हो जाए? 110% सही है, उसी का कारण आज हम यहाँ खड़ा है। जो सर बोले 100% उनका बात माने, कुछ एक्स्ट्रा इधर उधर नहीं। हम हॉस्टल में रहे हैं और जितना सर के द्वारा हम लोग गाइडलाइन दिया गया उतना किए, और अभी इधर हुआ है। क्या सर के बातों के अलावा चीजों को मानना जरूरी है? क्या सर जो कह दिए स्टडी मटेरियल सर का एनफ है? बहुत, मतलब सर का जो स्टडी मटेरियल है, हम तो अपने यूट्यूब चैनल पे टोटल एक एक स्टडी मटेरियल का करके दिखाए कि कैसे पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है। हाँ। SI स्वदेश के चैनल पे, अच्छा। उसमें एक एक करके हर एक नोट्स का, जैसे कोई बोलता है ना कि यहाँ से पढ़ा वहाँ से पढ़ा, टोटल जितना नोट्स है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब का, हाँ। टोटल एक एक 4 बार 5 बार कैसे लाइनिंग किया हुआ है वो करके हम दिखाए हुए हैं। इसीलिए अच्छे सर आपके ब्रांडिंग कर रहे हैं जी। सर इधर उधर नहीं करना है, 100% आप नोट्स को पढ़िए, 100% पढ़िए। ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिए, दो दिन छोड़ दिए, दो दिन पढ़ लिए, चार दिन छोड़ दिए, वैसे नहीं। जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो इकोनॉमिक्स का फुल पढ़ना है, 8 चैप्टर है तो 8 चैप्टर को फुल पढ़ना है, उसका ऑब्जेक्टिव भी करना है। उसके बाद आप देखिए सिलेक्शन कैसे नहीं होता, हर एक क्वेश्चन वहीं से पूछा जा रहा है, तो सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, 100% सिलेक्शन होगा। क्या लगता है सर आप बता दीजिए कि सर जो कहते हैं वो किए थे क्या? अभी तक तो 3 बार हम एग्जाम दिए हैं, 2 बार फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हुए हैं, इस बार 2 बार कहाँ पे थे सर के मार्गदर्शन? शुरू से 2446 2213 सर पे इतना विश्वास था क्या कि मतलब कह रहे थे कि आज नहीं तो कल होगा? हाँ, शुरू से ही लगे हुए थे, सर के पास ही थे, और जैसे बताते थे पूर्णतः नोट्स पे डिपेंडेंट थे। नोट्स में जितना नोट्स देते थे सर बस उतना ही करते थे, उसके अलावा कुछ नहीं, इधर उधर दिमाग लगाते ही नहीं थे। 3 बार हुआ है और लास्ट में देखिए 2 बार फिजिकल डिस्क्वालीफाई हुए थे, इस बार फाइनल। आप बता दीजिए सर थोड़ा। सर जो बोलते थे वही करते थे हम लोग। जैसे सर का नोट्स जो है वो दृष्टि का पूरा जो भी है, दृष्टि रिलेटेड है, जो क्विक नोट्स आता है मैं उसको फॉलो किया, और सर का नोट्स बिल्कुल वही चीज़ है, और जितने बार हो सका 10 बार। मैं तो बता रहा हूँ सर, बिट्टू सर का जो साइंस का नोट्स था 15 से 20 बार मैंने रिवाइज किया। 15 से 20 बार 2213 जब से मेरा
डिस्क्वालीफाई हुआ था, उसके बाद से मैं ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन सर का नोट्स नहीं पढ़ा है, और 15 से 20 बार वो नोट्स पढ़ा था। और सर बोले थे कि दृष्टि का क्विक नोट्स बुक आता है उसको पढ़ने के लिए, उसको मैंने 6 से 7 बार पढ़ा था। सर का नोट्स भी 5 से 6 बार पढ़ा था बस। और हाँ, जो 50 क्वेश्चन वाला जो शाम को टेस्ट चलता है उसको मैंने 1.5 साल, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मैंने टेस्ट नहीं दिया, ऐसा कोई दिन नहीं गया है जिस दिन मैंने टेस्ट ना दिया बस। सारे लड़के आए, सारे दरोगा जी आए अपने कंधे पर स्टार लगा कर, लेकिन किसी के पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं था, भागे चले जा रहे थे कि अपने अपने थाने को लौटना है। आप लोग भागे भागे गुरु जी के पास आ गए। नहीं, सबको लौटना है चूँकि प्रशासनिक आदेश है, और सबका बार बार ग्रुप में मैसेज आ रहा है कि गाड़ी अब खुली गई, बहुत लोगों का खुल चुका जो नहीं रुक पाया। हम लोग जो है अपने रिस्क पर रुके कि नहीं हम लोग ट्रेन से आ जाएंगे या अपने साधन से आ जाएंगे, तो हम लोग की भी गाड़ी खुल चुकी है। तो हम लोग को सर से मिलना था, चूँकि अब हम लोग को 24 से सर का ट्रेनिंग मतलब राजगीर जाना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर पता नहीं कब एक साथ हम लोग हो पाएंगे, ये मुश्किल था। इसलिए हम लोग सोचे नहीं आज मिल लेना ही अच्छा होगा, चूँकि अब पता नहीं कब ऐसा मौका आएगा जो हम लोग सब एक साथ मिलेंगे। आप भी हॉस्टल में ही रहते थे? हाँ, हम भी हॉस्टल में ही रहते हॉस्टल में रहते थे। एक बात बताइए, जो नए लड़के आते हैं दरोगा के लिए बड़े वो भ्रमित हो जाते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें, तो क्या वो करें जो ज्ञानबिंदु कहे करें तो हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, हम जो हमेशा यही कह रहे हैं, जब मेरा मेरिट आया था उस दिन भी बताया, आज भी क्लास में बताया कि सर जितना कहते हैं उतना को फॉलो कीजिए, बाकी इधर उधर नहीं कर रहा है, फॉलो कीजिए और 100% उसको कीजिए, तो 100% आपका सिलेक्शन भी होगा। और शाम वाला टेस्ट जैसा सब लोग बता रहे हैं, तो शाम वाला टेस्ट भी हमको सबसे मतलब फ़ायदेमंद है शाम वाला टेस्ट, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और आप क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं भी जान रहे हैं तो आसपास आप अगर वो ऑप्शन से आप कर सकते हैं। शाम वाला टेस्ट का ये फायदा, आपका बेस बनाता है शाम वाला टेस्ट, बाकी क्लास तो है ही क्लास है, आपका क्वेश्चन बैंक है, सारा मटेरियल है, तो आप सर को फॉलो कीजिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा। ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी की चीज़ है, ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी का नोट्स, सर के जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उस पर अगर काम किया जाए, और जो भी चीज़ें होती है सर के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं क्या उसको किया जाए? जरूर जरूर, अगर किया जाए तो क्या लगता है कि दरोगा एग्जाम में से बाहर कुछ भी जा सकता है? मैं केवल नोट्स ही पढ़े, बाहर क्या जा सकता है ये बता? कुछ नहीं, कुछ नहीं, डिट्टो एग्जाम बेस्ड नोट्स है। हाँ। केवल हम पहले जॉब में थे रेलवे में, वहीं से सर का नोट्स लेके हम तैयारी किए हैं, और मैं 83% नंबर इस बार लाए मेंस में, जो कि हम जनरल से क्वालिफाई किया। हाँ। केवल नोट्स से, केवल नोट्स से, केवल नोट्स, नोट्स में इतनी चीजें हैं, पूरा 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 100% मटेरियल। तो क्या नोट्स के अलावा भी कुछ चीजें पढ़ने की जरूरत है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है, डिटो जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं सर उसी को पढ़िए, नेक्स्ट बार आप। सर, स्टडी मटेरियल के तो इन लोगों ने बता दिया कि क्या करना है नहीं करना है, सभी ने कह दिया कि जो जो बातें चलती है हर जगह की, ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी का नोट्स अगर पढ़ लिया आपने, सर का अगर मार्गदर्शन में, सर के मार्गदर्शन में अगर चीज़ों को फॉलो कर लिया तो हो जाएगा, ये चीज़ें तो बता दी इन लोगों ने। लेकिन सर, जो करेंट अफेयर्स है, बहाली अगर आती है 1-2 महीने के बाद, फिर 2 महीने के बाद प्रीलिम्स के लिए टाइम दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा समय, 4 महीने का टाइम, अगर मान ले हार्डली 5 महीने का टाइम करंट के लिए, सर इन लोगों को क्या बताए थे? सेम टू सेम बताइएगा सर, ये आपके हॉस्टल वाले बच्चे थे तो क्या ज़्यादा ऐसा था क्या कुछ नहीं, बता दीजिए सर सेल्फ। नहीं नहीं, करेंट का जहाँ तक सवाल है, करेंट जो है एक तो हर बैच में लास्ट में जाकर के पढ़ाए हैं, लेकिन इस बार जो है जो नेक्स्ट वैकेंसी आनी है उसके लिए हम करेंट अभी से पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, करेंट अभी से पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, तो जो शॉर्ट्स हम अपनाते हैं, जैसे इन लोगों को हम पीडी, हम अपना शॉर्ट नोट बना करके, पीडी हो गया, परीक्षा मंथन हो गया, ये सब हम अपना शॉर्ट नोट बना करके देते थे, वही ये सब पढ़े हैं। और बिहार एसआई के लिए स्पेशली करेंट का बुक निकालते हैं, और हमको लगता है उसमें से 70-80% क्वेश्चन मैच खा जाता है। हाँ। ठीक है, तो और उसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होता है। हाँ। पिछली बार तो जो बुक निकाले थे वो हम करवा रहे थे, तो मेरा तबियत खराब हो गया था, तो विकास जी करवाए थे। विकास जी आप करवाए थे करेंट? जी सर, का थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने कारण करवाए थे करेंट, सर बोले जी। तो आपने देखा होगा, आपने खुद से पढ़ा भी होगा और क्लास में पढ़ाया भी, अपनी चीज़ों को डिलीवर किया है, आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। और 1275 में आप खुद अटेम्प्ट भी लिए थे, क्या लगा कि वो चीज़ें सफिशियंट है या फिर क्या चीज़ करना चाहिए छात्र? सर बहुत सफिशियंट है, और वो चीज़ एग्जाम भी आया, अभी पिछला जो करेंट का बुक है जो ज्ञान धारा पब्लिकेशन से निकली है, और क्वेश्चन बैंक जो पूछा गया है, कुछ मिलाकर देख ले, उनसे पूछा गया और लड़ा भी क्वेश्चन, और इसका फायदा हमें भी मिला है, हम करवा हैं, तो हमारा भी था और हम एग्जाम अच्छा करके। सर वो तो शायद अभी नहीं आई है, नहीं, अभी नहीं आई, लेट सेट आएगी, लेकिन अगर आपने एक महीना पहले इससे पहले वाले इंटरव्यू में कहा था कि
अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो आप करंट भी पढ़ेंगे क्योंकि वेटेज सेम है। तो क्या कहिएगा जो अभी से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि सारा कुछ पढ़ रहे हैं तो अभी से पढ़ना चाहते हैं, क्या कहिएगा उसके लिए अल्टरनेटिव? अगर ज्ञानधारा की बुक नहीं पढ़े तो कोई अल्टरनेटिव क्या मार्केट में? परीक्षा मंथन या ई दृष्टि? ई दृष्टि, परीक्षा मंथन या ई दृष्टि, दो में से किसी भी एक पब्लिकेशन का बुक लेकर के पढ़े, बहुत शानदार कलेक्शन है उसका, हम भी उसको फॉलो करते हैं। अच्छा, आप लोग जब हॉस्टल में रहते थे तो सर जाते थे रात में, हम देखते थे कि जब रात में ज्ञानबिंदु के पांचवी मंजिल पर लाइट जलती रहती थी 2-2 बजे रात तक, तो क्या रात में जो चीज़ें होती थी वहाँ, जो मेहनत करवाया जाता था जिस प्रकार से, तो क्या वही मेहनत छात्रों को करना पड़ेगा क्या? जी बिल्कुल करना पड़ेगा, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो करना पड़ेगा। इसी बार देख लीजिए, सीट 1275 और लड़के बैठे 5 से 6 लाख, तो होना तो 1275 को अंतिम रूप से, तो मेहनत तो करना होगा जाहिर सी बात। क्या जिस प्रकार से आप लोग रात में रथ जग्गा करते थे सर के निर्देशन में, तो क्या बहुत ज़्यादा चीज़ होता था पढ़ने के लिए, या फिर जो जितना होता है कोचिंग का उतना? चीज़ ज़्यादा ज़्यादा नहीं होता था सर, ज्ञान बिंदु से जुड़ने का एक यही फायदा है कि चीज़ें सफिशियंट होती है कि हमको करना क्या है, मतलब डायरेक्शन क्लियर होता है, बस हम मेरा काम है कि हम मेहनत करें, डायरेक्शन क्लियर होता था, बस उसी चीज़ को हम कितना पचा पा रहे हैं, कितना रिविजन कर पा रहे हैं। रात जग्गा का मतलब वही होता था कि जो जरूरत का चीज़ है हम उसको कितना बार रिवीजन कर रहे हैं, कितना बार पढ़ रहे हैं। क्या होता था सर, क्या कहते थे कि रिवीजन कैसे करिए? रिवीजन सर, रिवीजन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर का नोट्स सिर्फ पढ़ाने से नहीं, आपको पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं पढ़ेगा तो सिलेक्शन होगा नहीं। सर का जो नोट्स था उसको हम तो पहले 10-12 बार पढ़े हैं रिवीजन के, क्योंकि हम ऑनलाइन स्टूडेंट थे, हम यहाँ रहते नहीं थे पटना में, हम बाहर रह के ही पढ़ाई की, और वहाँ कोई बोलने वाला भी नहीं था, अपने मन से जो करना है जो सीखना है, लेकिन एक था मन में, 2 बार पहले छठे हुए थे तो था मन में कि नहीं इस बार निकालना है तो निकालना है, मोटिवेट थे अंदर से, खुद से मोटिवेट थे, क्योंकि जेब में पैसा नहीं था, मोटिवेट खुद मिल जाता है। आप ऑनलाइन? जी ऑनलाइन। ऑनलाइन, अच्छा, क्या ऑनलाइन में ऑफलाइन में कुछ ज़्यादा अंतर लगा कि आपको, कि ऑनलाइन में एकदम से चीज़ें मिल जा रही है, जो जितना ऑफलाइन में मिलता है ऑनलाइन में मिल जाता है? कोई अंतर नहीं, हमको तो ऑनलाइन ही बढ़िया लगता है, क्योंकि आने जाने में ऑफलाइन में थोड़ा दिक्कत भी है, तो ऑनलाइन ही बढ़िया लगता है। देखिए एक बार जो पढ़ लिया है ना, थोड़ा सा बढ़िया से फ्रेशनेस से पढ़ लिया, हम पहले भी पढ़े हुए थे, क्योंकि हम 2 बार छठ रहे तो पढ़े तो थे, ऑलरेडी पढ़े हुए थे, लेकिन एक बार हमको लग रहा था कि सब बोल रहा था ज्ञान विद्या, हमको भी पता नहीं था उतना, तो लिए थे सर का सेकंड बैच लिए थे, उसके बाद बढ़िया से एक बार जैसे एकदम बढ़िया से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी घटना चक्र करवाते सर उसको, क्विक बुक 50 क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक A to Z जो भी होता है टोटल चीज किए थे, और थोड़ा मोड़ा मटेरियल पहले से भी था वो सब भी था, तो टोटल उसी चीज को सिर्फ रिवीजन किए हैं, और रिवीजन का ही परिणाम है कि आज रोशन सर के सामने डबल स्टार लगा के खड़ा है। ऑनलाइन थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा ऑफलाइन वालों के साथ एज है या फिर बराबर है? अगर ऑनलाइन वालों के साथ कहते हैं कि थोड़ा सा डिस्ट्रेक्शन होता है, क्या करें? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो चीज हम ऑफलाइन डिलीवर करते हैं वही ऑनलाइन, ऐसा नहीं कि कुछ अलग, दोनों बराबर है। सर बहुत सारे लड़के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि एक जगह बैठ नहीं पाते, सही से पढ़ नहीं पाते, क्या कहिएगा उन लड़कों? अब देखिए अगर आपको सफल होना है तो संयमित अनुशासित आपको रहना होगा, ठीक है, और तभी जाकर के आप हो पाइए। शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे साथ रोशन आनंद सर थे, और रोशन आनंद सर के योद्धा थे जो सर से मिलने आए थे और बता रहे थे कि कैसे इन लोगों ने तैयारी करी, कैसे सफलता प्राप्त की, और कैसे ज्ञानबिंदु GS अकेडमी ने इन लोगों के कंधे पर डबल स्टार्ट। बाकी आपका कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर मिलेंगे आपसे बहुत ज्यादा। ऑडियो टी पर जय हिंद।